हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नर्मदा नीर संघर्ष समिति का धरना प्रदर्शन व अनशन 33वें दिन जारी, सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। भीनमाल नगर सहित विधानसभा क्षेत्र में पेयजल संकट से निजात दिलवाने के लिए शहर वासियों द्वारा गठित नर्मदा नीर संघर्ष का एसडीएम कार्यालय के आयोजित धरना प्रदर्शन, हस्ताक्षर अभियान व अनशन शुक्रवार को 33वें दिन जारी रहा। शुक्रवार को 5 जने क्रमिक अनशन पर रहे। वहीं रावणा राजपूत ने शुक्रवार को धरने में भाग लेकर आंदोलन का पूर्ण समर्थन का ऐलान किया। सवेरे 10 बजे रावणा राजपूत समाज के अध्यक्ष सोमेश्वर सिंह, भूपेंद्र सिंह व छैल सिंह भाटी के नेतृत्व में तबजी रोड स्थित समाज के छात्रवास भवन से रैली का आयोजन किया, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां करीब घंटा भर तक धरना दिया। इस दौरान दर्जन भर वक्ताओं ने आंदोलन को जायज ठहराते हुए समाज की तरफ से पूर्ण सहयोग का ऐलान किया। साथ ही आंदोलन को सड़क से संसद तक पहुंचाने की आवश्यकता जताई। इसके बाद रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां पीएम व सीएम के नाम उपखंड अधिकारी जवाहर राम चौधरी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार, प्रशासन, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और नर्मदा विभाग की लापरवाही वही की वजह से भीनमाल नगर व ग्रामीण क्षेत्र की लाइफ लाइन मानी जाने वाली नर्मदा परियोजना ईआर प्रोजेक्ट का कार्य करीब 5 वर्ष देरी से चल रहा है। वर्तमान कार्य गति के अनुसार वर्ष 2025 तक पूर्ण होना मुश्किल लग रहा है। इसी वजह से क्षेत्र में पेयजल का भारी संकट बना हुआ है। ज्ञापन में बताया कि दिसंबर 31 तक कार्य पूर्ण करवा कर पानी उपलब्ध करवाया जाए, अन्यथा रावणा राजपूत समाज समिति के समर्थन में उग्र आंदोलन को उतारू होगा। इस अवसर पर बलवंत सिंह, जीवन पाल सिंह, जसवंत सिंह परमार, मालम सिंह, कैलाश सिंह, नारायण सिंह परिहार, जबर सिंह सिसोदिया, प्रताप सिंह परिहार, मंगल सिंह गहलोत, मनोहर सिंह, राजेंद्र सिंह, रमेश सिंह, शंभू सिंह, नारायण सिंह, हितेश सिंह, सुमेर सिंह व महेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद थे। वहीं शुक्रवार को हीम सिंह राव, कपूरदंज माली गौ भक्त, सुरेश भौरा मीडिया, रमेश सुंदेशा व भूताजी राजपुरोहित अनशन पर रहे। जागरूक टीवी की भीनमाल से पर्वत सिंह राव की रिपोर्ट।